फिर भर गया दोबारा। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करता हूँ आप तमाम देखने वाले दोस्त साथ खैरियत से होंगे। दोस्तों ये है इलाका सिंधी होटल न्यू कराची, और यहाँ पर कई दुकानें जो हैं वो बंद हो चुकी हैं, और सबसे बड़ी वजह ये है कि नाले पर बनाई गई दुकानें और फिर नाले का पानी चौक, तो ऐसी ही सूरत हाल हो। बहुत से हमारे दोस्तों ने मैसेज किया था कि यहाँ पर ये सूरत हाल है, इसकी एक अपडेट दी जाए। तो आज हम सिंधी होटल न्यू कराची पर मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं इस तरफ जाने वाला ये वाला रोड तो बिल्कुल ही मुकम्मल तौर पर ही ख़त्म हो चुका है, और नाला कितनी तेज़ी के साथ यहाँ से आ रहा है। और ये अल्लाह वाली चौरंगी का जो मेन सीवरेज का काम हुआ था, वो पता नहीं किस तरह काम हुआ है, क्या नहीं हुआ। बहरहाल यहाँ के रिहायशी यही कहते हैं कि वहाँ से ओवरफुल हो रहा है, जबकि देखा जाए ये सारी दुकानें नाले के ऊपर मौजूद हैं। जब तक ये सूरत हाल रहेगी तो यही सूरत हाल होगी, और अगर खुदा न खास्ता इस दौरान बारिश हो जाती है तो बहुत बुरा हाल होता है। लेकिन एक बात यह है कि कोई इस पर तवज्जो नहीं दे रहा। तकरीबन एक हफ्ते से ज़ायद हो चुका है इस सूरत हाल से, यहाँ पर जो रिहायशी हैं काफ़ी परेशान हैं। और आगे लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं आगे की सूरत हाल। अब ये यहाँ तक आ चुका है। कितने दिन से, कितने दिन होगा इसको? हाँ, चार दिन से। फिर भर गया दोबारा? पहले सही करके गए थे, पहले सही करके गए थे ये। वो कह रहे हैं पहले सही करके गए थे, लेकिन अल्लाह वाली जो रोड है वहाँ से ये चौक हुआ हुआ है। तो ऐसे मनाजिर कभी आपने क्लिफ्टन डिफेंस, तारिक रोड, भादराबाद ऐसे इलाकों में नहीं देखे होंगे। ये देखें, अब आहिस्ता आहिस्ता फैलता जा रहा है, ये आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, और फिर उसके बाद क्या सूरत हाल होगी आप खुद जान सकते हैं। यहाँ जितना भी दुकानदार थे वो सब आधे से ज़्यादा दुकानें खाली की जा चुकी हैं, कुछ ज़्यादातर तो किराएदारी हैं इधर। और नाले के ऊपर बनाई गई ये दुकानें अब काफ़ी अरसे से हैं, और इसके ऊपर निशानात भी लगाए जा चुके हैं। देखें माशाल्लाह रोड के ऊपर इंक्रोचमेंट तो मौजूद है, चाहे सीवरेज का पानी हो या तूफ़ानी बारिश का पानी हो। बहरहाल तो ये सूरत हाल से दो चार है सिंधी होटल न्यू कराची का इलाका, और यहाँ पर तो काफ़ी, अल्लाह माफ़ करे, कुछ पता ही नहीं है कि अंदर कितना बड़ा गड्ढा है क्या नहीं है। उसके बावजूद भी बस भी, वैगन भी यहाँ से गुजर रही है, रक्षा भी और बाइक वाले भी। और आगे की तरफ चलते हैं, आपको लेके चलते हैं। हम भी मजबूरन बाइक के ऊपर इसी पर सफ़र कर रहे हैं, बड़े केयरफुल होके। ये देखें ये रिहायशी जो होंगे इनका क्या हाल होगा। ओए होए होए होए, अब ये देखें ये लेडीज़ यहाँ से अंदर की तरफ जा रही हैं इलाके में, तो ये इस तरह जा रही है। अल्लाह अकबर, क्या सूरत हाल है। लेकिन इदारे सब सोए पड़े हुए हैं, कोई तवज्जो नहीं दे रहा। यहाँ पर हमारी तीन चार दुकानदारों से बात हुई है, वो यही कह रहे हैं और जो रिहायशी हैं कि कोई नहीं आ रहा, कोई तवज्जो नहीं दे रहा। आप पहली बार आए हैं इधर की कवरेज करने, ये देखें अल्लाह 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 किस तरीके से लोग जो है अंदर इलाकों से निकल के आ रहे हैं और फिर रोड क्रॉस करके जा रहे हैं। तो ये सूरत हाल से दो चार है सिंधी होटल न्यू कराची का इलाका। 1100 के ज़ायद दुकानें जो कि नाले के ऊपर मौजूद हैं, और जिनको नोटिस भी जारी किए जा चुके थे। जब तक ये नाला की सफाई नहीं होगी तो ये मसाइल इसी तरीके से रहेंगे। देखिए एक सुजुकी और जा रही है जानवर लेके। सोचो बारिश भी हो गई तो फिर क्या हाल होगा, फिर क्या हाल होगा। सही बात है, तो दोनों रोड ब्लॉक हो जाते हैं, फिर नाले और रोड बराबर। बड़ा बुरा हाल हमें नज़र आ रहा है इस वक्त दोस्तों, इसके ऊपर फौरन तवज्जो देनी चाहिए। यहाँ पर एरिया बिल्कुल सही है, लेकिन आहिस्ता 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 ये भी नाले अगर चौक होंगे तो इधर का भी यही हाल हो जाएगा कुछ दिनों में, अगर इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई। जो हमारे चैनल पर नया है उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें शुक्रिया का मौका दें। अभी हम दूसरी तरफ से वापसी की तरफ जाते हुए ये आपको व्यू दिखा रहे हैं। ये सूरत हाल है सिंधी होटल न्यू कराची का इलाका। ओए होए, क्या
क्या कह सकते हैं दोस्तों, बस दुआई कर सकते हैं कि इस इलाके पर फौरी तौर पर तवज्जो दी जाए और ये मसाइल हल किए जाएं। रोड का भी बहुत बुरा हाल है, रोडों का भी बहुत बुरा हाल है। तो एक ये थी अपडेट सिटी होटल न्यू कराची से। अपने कमेंट्स का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा और अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। फ़ी अमानतल्लाह, अस्सलामु अलैकुम, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।